हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन गाइस। आज हम एक नए ड्रामे के टीजर्स पे रिएक्शन करने वाले हैं, जिसका नाम है हम कहाँ के सच्चे थे। इसमें माहिरा खान है। माहिरा खान को हम जानते हैं, लाइक उनके काफ़ी पुराने सीरियल्स भी देखे हैं हमने। जानते हैं, आई थी ना वो आपके पास। आई मीन पहचानते हैं। तो अभी ये जो टीजर्स हम देखने वाले हैं, अभी नया ड्रामा आने वाला है, शुरू नहीं हुआ है, और ये भी एक नॉवल पे बेस्ड है, और इस पे एक मूवी भी बन चुकी है पहले। ओके, सो चलिए ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करेंगे और हम जल्दी से पहले शुरू करते हैं। टीजर नंबर वन। मेरा नाम मेहरीन मंसूर है। मैंने ज़िंदगी में सजाओं की जो फसल काटी वो मेरे माँ बाप ने बोई थी, उसको काटते काटते मेरे हाथ कट गए। वो बच्चा है ना, ये है वो। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे जल्द आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये दो बहनें हैं। सीरियस है थोड़ा ना। हाँ, और ये है ना, इसके मम्मी पापा शायद नहीं है, तो ये शायद किसी और के साथ रह रही है, तो बचपन से। क्योंकि देखो ना, शुरू में जब हुआ तो शी सेड कि मेरे गुनाहों की जो भी स्टोरी है, इट वाज रिटन बाय माय पेरेंट्स। तो शायद उन्होंने कुछ करा हो, तो कुछ हो, लाइक बच्चा दिखाया जो बचपन में भी वो माहिरा खान ही थी, एंड शी पुश धक्का दिया किसी को। हाँ, शी पुश समवन। सो और पुलिस भी उसको पकड़ के लेके जा रही है, देखो। या तो वो फ्लैशबैक भी हो सकता है, या कोई सपना सोच रहा है कि ऐसा हुआ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टीजर तो इसलिए बनता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से फ्लैशबैक नहीं होगा, बचपन में कुछ हुआ होगा। तो इसमें हमने दो और कैरेक्टर्स देखे, उस्मान मुख्तार हैं इसमें और कुबरा खान हैं, जो लड़की हैं दूसरी। उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा अभी, बिकॉज द होल दिस टीजर वॉज बेस्ड ऑन माहिरा। तो देखते हैं अगले टीजर्स में कुछ उनके बारे में पता लगेगा कि स्टोरी में उनका क्या रोल है एक्चुअली में, है ना। तो चलिए जी, देखते हैं टीजर नंबर टू। मैं अस्वद अयूब हूँ, शतरंज की बिसात पर मैं बादशाह हूँ के प्यादा। दो लड़कियों की जंग में मैं ये समझ नहीं सका, और जब तक समझ आई बिसात उलट चुकी थी। एक्टिंग देखो, सच बोलो। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे। ओके, एक चीज क्लियर ये हुई है कि दोनों लड़कियों में जंग है, कुछ तो लड़ाई है। हाँ, वो तो है ना, बिकॉज ही सेइंग, ही वाज सेइंग, हाँ, दोनों की जंग में मैं पिस रहा हूँ, ऐसा कुछ। ये कहीं ऐसा तो नहीं है इसके दो अफेयर या दो तो नहीं है, ये इसलिए बीच में फंस गया, या एक बहन है और एक पत्नी है, बीच में फंस गया। No. आगे और टीजर देखते हैं ना, तो शायद कुछ पता लगेगा। बट एक चीज है, एक्टिंग बहुत अच्छी, जो उनके वो जो इमोशनल सीन्स थे, जबरदस्त रोल रहे हैं। इवन माहिरा खान भी जब वो एंड में कैमरा की तरफ देख रही थी, सो इट लुक्ड सो गुड, नेचुरल, इंटेंस लग रहा था एकदम। एक्टिंग अच्छी आ रही है, व्हेन ही वाज, यू नो, हां, जब ऐसे दीवार पे मार रहा था, लाइक एक बात तो है, लाइक पाकिस्तानी जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, स्पेशली जो ड्रामा सीरीज करते हैं, उनकी एक्टिंग काफी अच्छी है। हमने जितने भी टीजर देखे, अभी पुराने ट्रेलर्स देखे हैं, टीजर देखे हैं, काफी अच्छा है एक्टिंग, काफी अच्छी, ओवर एक्टिंग नहीं लगती। हां, नेचुरल लगता, लाइक लग ही नहीं रहा कि एक्टिंग कर रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं टीजर नंबर 3। मेरा नाम मशल है, मैं अपने नाम की तरह रोशन, चमकदार, खूबसूरत और आग लगा देने वाली हूँ। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों कॉलेज में पढ़ती हैं, सेम ही कॉलेज में हैं, या पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं, वी डोंट नो, पढ़ती होंगी मेरे को लगता है। हाँ, और कुछ तो कनेक्शन है लाइक लड़के के साथ इन दोनों का, और टीजर जैसे बनाए हैं कि सिर्फ इंट्रोडक्शन है तीनों कैरेक्टर्स, कंफ्यूजन क्रिएट किया। हाँ, और तीनों कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन दिया। हाँ, तीनों ने हर टीजर में एक एक का इंट्रोडक्शन है, जैसे इसमें ये कह रही है कि मैं रोशनी हूँ, जहाँ जाती हूँ रोशनी। सो ऐसा लग रहा है कि उसको घमंड है थोड़ा कि वो बहुत सुंदर है, बिकॉज शी सेइंग ना कि रोशनी की तरह मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ऐसे बात कर रही थी वो। प्लस आपने देखा कि वो उसकी शर्ट में सिगरेट लगा रही थी, ये मुझे थोड़ी वो टाइप की लग रही है, शायद नेगेटिव रोल हो, शायद इनका ग्रे कैरेक्टर है। क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर सकती माहिरा खान नेगेटिव कर रही हूँ।
क्योंकि हमेशा मैंने पॉजिटिव ही देखा है उनका रोल। तो काफ़ी इंटेंस ड्रामा लग रहा है ये, और स्टोरी काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि वन गर्ल इज ट्राइंग टू पुट डाउन अनदर वन, तो उनकी कैट फाइट है एक्चुअली में, और बीच में फंसा लड़का, बीच में लड़का फंस रखा है। चलिए देखेंगे अभी ट्रेलर आएगा तो थोड़ा और क्लियर होगा एक्चुअल में है क्या। एंड सिंस इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन अ नॉवल, तो जिन्होंने नॉवल पढ़ा है उनको तो और भी पता आइडिया होगा एक्चुअली में क्या है। हाँ बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और हमारे को फीडबैक दीजिए, हमें और सजेशंस दीजिए। बिल्कुल, होपफुली हम एक और नए वीडियो के साथ जल्दी आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।